मैं सुभाष ब्रदर कमलापुर भारतीय जनता पार्टी में लास्ट 30 इयर्स संगठन में मैं जुड़ा हूँ। संगठन के दृष्टि से गुलबर्गा जो भी चुनाव हुआ है, असेंबली चुनाव होंगे, पार्लियामेंट चुनाव होंगे, जो भी चुनाव में मेरे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था पार्टी का संगठन में, और चुनाव में मेरा बहुत काम किया। ये पहले भी मैं उत्तर क्षेत्र का टिकट का दावेदार भी था, लेकिन आप सब लोगों को यह मालूम है उत्तर क्षेत्र में निर्णायक वोटर जो है माइनॉरिटी वोटर्स आर डिसाइडिंग फैक्टर्स टू विन दिस इलेक्शन। ऑल्दो हिंदू वोट्स आर मोर देन द माइनॉरिटी, येट फॉर द लास्ट 3 इलेक्शन इवन बिफोर दैट ऑल्सो द मुस्लिम कैंडिडेट्स वन, आइदर मुस्लिम लीग और मे बी कांग्रेस कैंडिडेट, दे हैव वन दिस इलेक्शन। ड्यूरिंग 2013 जो नासिर हुसैन साहब जो KJP से थे, कंटेस्ट करे थे, मैं येडियुरप्पा के साथ काम किया था। नासिर हुसैन के साथ जो है गुलबर्गा उत्तर क्षेत्र में मैं काम किया और 29,000 वोट्स वी हैव सिक्योर ड्यूरिंग दैट इलेक्शन। एंड लेटर ऑन 2019 में मैं बहुत मैं भी दावेदार था और कम से कम 2.5 साल जो है मैं गुलबर्गा नॉर्थ में जो है काम किया हूँ। और जो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबसे सबको मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट से उनसे मिल के उनका मदद जो है मैं मांगा था, आप टिकट लेके आए हम आपको मदद करेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी में रहो, कौन सा पार्टी में रहो, हम आपको वोट देने के लिए हम तैयार हैं, जो आश्वासन जो दिए थे। लेकिन लास्ट मिनट में बिकॉज ऑफ सम डिफरेंसेस इन टिकट अलॉटमेंट जो है चंदू पाटिल को टिकट मिला, और आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी जो है 72,000 वोट जो है लास्ट चुनाव में वोट लिए हैं। इससे पहले जो है चुनाव में 2014 में वी हैव टेकन ओनली 19,000 वोट्स, एंड इन 2009 में जो है 37 वोट्स BJP को आया था। मैं नमोशी और गुरशन टेंगली ये तीनों 2.5 साल जो है क्षेत्र में काम करने के वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है 72,000 वोट जो लिया, इसके मतलब कार्यकर्ताओं का प्रतिफल से इतना वोट आ गया। ये लास्ट चुनाव ने इलेक्शन जो था हम जीतने का चुनाव था, फिर भी टिकट अलॉटमेंट में डिफरेंस होने की वजह से हम चुनाव हार गए हैं। इस बार हमें उम्मीद है, आज जो है देश में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व कर्नाटक में बसवराज बोम्मई जी, येडियुरप्पा जी हैं और नलिन कुमार कटील के नेतृत्व में पार्टी का काम बहुत हुआ है, और सरकार भी जो है डेवलपमेंट और बहुत कुछ लिए है। इसी वजह से हमको कॉन्फिडेंस है कि उत्तर क्षेत्र में जो है नॉर्थ क्षेत्र में BJP का चुनाव जीतने का चांसेस है, बस इतना ही कहूँगा। ये अभी इस बार टिकट आप मिली तो कितने लीड से आएंगे सर, आपको आप भी एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, हाँ तो अभी कितने लीड से आएंगे सर आपको टिकट? प्रॉबली इलेक्शन में टेक प्लेस सम टाइम इन अप्रैल और मई, दे मे डिसाइड सम टाइम इन फेब्रुवरी, सिर्फ फेब्रुवरी और फेब्रुवरी एंड में डिसीजन लेंगे मेरे ख्याल से। लेकिन जैसे आपको मालूम है टिकट का अनाउंसमेंट जो है लास्ट मिनट में होता है, लेकिन जो कैंडिडेट होता है उनको इंटरनली इंफॉर्मेशन देते हैं, आप काम तो शुरू करो देखेंगे बाद में, सो बोल नहीं सकते हैं। हाई कमांड जो डिसीजन लेता है
एडवांस तो टिकट अनाउंसमेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य में भी हमारा पार्टी है और राष्ट्र में भी बीजेपी रहने की वजह से, और पक्ष जो है सुदृढ़ है और बलिष्ठ है। जो भी होते डिसीजन लेंगे कार्यकर्ता जो है काम करना पड़ेगा। अगली बार तो अच्छा और काफी बीजेपी को बजट कर, तो ये बारी भी अभी अच्छा काफी चांस है, तो ये बारी अब कितना चांस कितना है नॉर्थ में जीतने का बीजेपी? अगर सही टिकट अलॉटमेंट हो गया था हम जीत जाएंगे, बीजेपी जीत जाएगी, इसमें कुछ डाउट नहीं। मैं सुभाष ब्रदर कमलापो भारतीय जनता पक्ष का कार्यकर्ता हूँ, पीछे 30 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मैं उत्तर मत क्षेत्र का स्ट्रांग कंटेंट टिकट अपेक्षा एस्पिरेंट हूँ उत्तर मत क्षेत्र का। सो आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू द हाई कमांड आल्सो फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द टिकट फॉर कंसिडरिंग माई कैंडिडेट्स फॉर द एनसुइंग असेंबली इलेक्शन। दे सेड दैट यू स्टार्ट वर्किंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, विल टेक द सर्वे रिपोर्ट एंड विल कंसिडर, दैट्स व्हाट दे हैव अश्योर्ड। मैं टिकट तो कोशिश तो करूँगा, टिकट के लिए जो भी पार्टी निर्णय लेंगे पार्टी के निर्णय से काम करेंगे, बस इतने ही। टिकट अगर दूसरों को मिलेगी तो काम करेंगे, डिसिडेंट होने का सवाल ही नहीं होता। डिसिडेंट होना कर पहले ही होता था मैं, आज तक मैं पार्टी का जो आदेश है पार्टी का जो निर्णय के मुताबिक मैं काम करते आ रहा हूँ, डिसिडेंट होने का सवाल ही नहीं है।